हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे भगवान न समझो, शायद मैं हकदार नहीं, मगर एक इंसान हूँ, इससे तुम्हें भी इनकार नहीं। बिना नाम जात धर्म पूछे ये हाथ मदद को बड़े हैं, त्योहार हो रविवार हो दिन हो रात हो फिर भी हम खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ये है इंडिया। ये पंक्तियां अच्छी जरूर हैं, लेकिन आज इनका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है ये आगे आपको शो में बताएंगे, इसीलिए पूरा प्रोग्राम जरूर देखिएगा। ये है इंडिया में हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, कोरोना में भटकते तड़पते मरीजों से लेकर अस्पतालों में बेड की कमी तक, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मदद करने वाले कोरोना योद्धाओं से लेकर यूपी में मचे सियासी बवाल की हर तस्वीर दिखाई। लेकिन आज ये है इंडिया का खास शो धरती के भगवान कहे जाने वाले उन डॉक्टर्स को समर्पित है जिन्होंने कोरोना में लोगों की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, उन्हीं डॉक्टर्स की बात होगी आज जिन्होंने पिछले 1.5 साल से ना तो अपना परिवार की परवाह की, ना दिन देखा ना रात देखी, सिर्फ अपने काम के प्रति अपनी लगन दिखाते हुए लोगों की सेवा की और अंत में आते आते अपनी जान गंवा दी। वैसे तो डॉक्टर्स की बात हमेशा की जाती है और कोरोना के समय में डॉक्टर्स का एक अलग ही महत्व समझ में आया है, खासकर उन लोगों को जिनके परिजनों को इन्हीं डॉक्टर्स ने मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन ये है इंडिया में आज डॉक्टरों की बात इसलिए हो रही है, दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने डॉक्टर्स की जान गई है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर को जो लेकर IMA ने लिस्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि 730 डॉक्टरों की कोरोना की दूसरी लहर के चलते जान गई और उसके बाद दिल्ली में 109 फ्रंटलाइन वर्कर्स महामारी की जंग में शहीद हुए हैं। IMA के मुताबिक बिहार और दिल्ली में के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टरों ने महामारी के दौरान अपनी जान गंवाई है। राजस्थान में 43, झारखंड में 39, गुजरात में 37, महाराष्ट्र में 23 तो वहीं मध्य प्रदेश में 16 और छत्तीसगढ़ में 5 डॉक्टर शहीद हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा पंजाब में 3-3 डॉक्टर्स महामारी से लड़ाई में कुर्बान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसीलिए ये लोग तुरंत काम के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगे। 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। प्रधानमंत्री ने क्रैश कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वो जल्द ही हेल्थ केयर वर्कर्स से सहयोग के लिए तैयार होंगे। देश में महामारी का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। इसके मद्देनजर देश में करीब 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जो 3 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। हालांकि अब देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जहां एक दिन में 4,00,000 मामले सामने आ रहे थे वहीं अब एक दिन में 60,000 से 70,000 के बीच कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। कोरोना के समय में डॉक्टरों के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आई थी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में जब डॉक्टर्स का भी धैर्य टूट गया था,
एक डॉक्टर ने अपना दर्द कैसे बयां किया इस वीडियो में देखिए। हालांकि वीडियो पुराना है, लेकिन क्योंकि आज का शो डॉक्टर्स को समर्पित है, इसलिए एक बार फिर से ये वीडियो आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है, और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विथ ऑक्सीजन, एंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। ये तो आपने एक डॉक्टर की वीडियो देखी, अब आपको एक और डॉक्टर की वीडियो दिखाते हैं जो गर्भवती थी और मरना नहीं चाहती थी, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। एंड स्पेशली ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी आई रियली डोंट वांट किसी को भी ये सिम्टम्स आए। Please tell your family members, don't take it so lightly. Please, irresponsible मत हो, अपने अपने मास्क पहन के बाहर निकलो। अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, don't remove your mask. क्योंकि आपके घर में there are some older people, there are some children, kids, pregnant women. उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। हालांकि एक डॉक्टर ने अपनी ऐसी भी तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि इस गर्मी में कैसे डॉक्टर पूरे समय पीपी किट पहन कर रखते हैं। गुजरात के एक डॉक्टर ने ट्वीट करके पीपी किट पहनने के बाद के इफेक्ट को दिखाया था। अहमदाबाद के डॉक्टर सोहिल मकवाना धारपुर के GMRS मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। सोहिल मकवाना ने दो तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की थी जिसमें दिख रहा था कि पीपी किट पहनने से डॉक्टर कैसे पूरी तरह पसीने से भीगे रहते हैं। डॉक्टरों की स्थिति कोरोना के समय में काफी खराब है, लेकिन उनकी स्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज का हमारा कार्यक्रम डॉक्टर्स के लिए था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।